सीमा संस्कृता, आज हम मॉडल पेपर 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इस मॉडल पेपर में रैंडम प्रश्न है, अर्थात हर जगह से प्रश्नों को उठाया गया है। तो चलिए इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्णों के मेल को कहते हैं, वर्णों के मेल को कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आपको हमने परिभाषा बताई थी कि वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, पदों के मेल को समास कहते हैं। तो इसका सही विकल्प है संधि, विकल्प सही है। प्रत्यय, प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्यय। और उपसर्ग का है, उपसर्ग जो है धातु के पहले जुड़ता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर समास कितने प्रकार के हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 5। जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण खोलेंगे उसमें पहला वाक्य ही लिखा है समास पंचधा। क्या लिखा है? समास पंचधा, अर्थात समास जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि समास की प्रक्रिया होती है, अभी पहले प्रश्न में ही बताया था कि दिया है दो वर्णों के बीच में संधि की प्रक्रिया होती है, और दिया है दो वाक्यों के बीच में समास की प्रक्रिया नहीं होती है। फिर दिया है दो पदों के बीच, तो हमने बताया था समास की परिभाषा में कि दो पदों के बीच में ही समास की प्रक्रिया होती है, एक पद के बीच में कभी भी समास की प्रक्रिया नहीं होगी। समास के लिए हमेशा जो है दो पद रहना अनिवार्य है, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। तो इसका सही विकल्प है कि दो पदों के बीच में ही समास की प्रक्रिया होती है, अर्थात इस प्रश्न का विकल्प जो है तीसरा सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि समास कह, तो दिया है पदार्थवाचक, भाववाचक, संक्षिप्तवाचक, कार्यवाचक। समास का हमने बताया था कि संक्षिप्तकरण ही समास है, सम सनम समास है। समास की यह परिभाषा है कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है, अनेक पदों का एक पद हो जाना, अर्थात उनके आकार में संक्षिप्तकरण ही आ जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है कि समास कह, समास जो है संक्षिप्त वाचक होता है, था समास का अर्थ है संक्षिप्ति। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिगृहम में समास है दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो हमने आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाया था, उसमें बताया था कि यदि प्रथम पद अव्यय हो और बाद में कोई पद हो तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो प्रतिगृहम शब्द में अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, तो अव्ययी भाव समास प्रतिगृहम में है। तो इसका सही विकल्प है कि अव्ययी भाव प्रतिगृहम में अव्ययी भाव समास है, अर्थात विकल्प 4 सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समास है। यह प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कौन सा समास है जो हमेशा नित्य एक वचनांत शब्दों को ही बनाता है। समास में दो पद मिलकर एक नए पद बनते हैं और उस नए पद का उस दो पदों के समान ही अर्थ होता है। इसमें यही पूछा गया, ऐसा कौन सा समास है जो नित्य माने हमेशा नपुंसक लिंग में और नपुंसक लिंग के एक वचन में ही समास बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुव्रीहि, द्वंद, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो अव्ययी भाव हमने आपकी परिभाषा बताई थी कि अव्ययी भाव समास जो है हमेशा वह नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत में रूप बनाते हैं, अर्थात तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में इसके रूप हमेशा एक समान होते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प तीसरा जो है सही है कि अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत में रूप बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अन्य पद प्रधानम, पूर्व पद प्रधानम, उत्तर पद प्रधानम, उभय पद प्रधानम। तो आपको समास के बारे में जब बताया जाएगा
या आपको अगर जानकारी होगी, अन्य पद प्रधानम बहुव्रीहि समास होता है, पूर्व पद प्रधानम अव्ययी भाव होता है, उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुष होता है और उभय पद प्रधानम द्वंद्व होता है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है विकल्प दूसरा ही इसका सही है कि पूर्व पद प्रधानम अव्ययी भाव समास। अब हमारा अगला समास है सुमद्रम में समास है, सुमद्रम में समास है। तो अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको अव्ययी भाव समास जब पढ़ाया गया था उसमें हमने बताया था अव्यय विभक्ति समृद्धि वृद्धि एक सूत्र बताया था, उसमें समृद्धि के अर्थ में यह सुमद्रम समास हुआ है। तो यह अव्ययी भाव के अंतर्गत आता था, अर्थात सुमद्रम में अव्ययी भाव समास है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि लृतुलसा नाम किस उच्चारण स्थान का सूत्र है। आपको जब उच्चारण स्थान पढ़ाया गया था तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कंठ, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा दिया है दंत, तीसरा है ओष्ठ और चौथा है मूर्धा। तो कंठ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपको एक सूत्र पढ़ाया गया था उच्चारण स्थान में कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। तो अ क वर्ग और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था। दंत के बारे में पढ़ाया गया था लृतुलसा नाम दंत दंता। तो लृ का, त वर्ग का, ल का और छोटे स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। और तीसरा ऑप्शन था ओष्ठ, उपोपध्यमानी नाम ओष्ठ, उपध्यमानी का और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। और चौथा हमने बताया था कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, री का, र का, ट वर्ग का और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो इन सब में दूसरा विकल्प सही था कि ऋतु लसानाम दंता। तो ऋतु लसानाम किस उच्चारण स्थान का सूत्र है, दंत उच्चारण स्थान का सूत्र है। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निर्दोष में समास है, निर्दोष में समास है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, ने तत्पुरुष समास। तो अव्ययी भाव समास इसका विकल्प सही होना चाहिए। तो निर्दोष में निर उपसर्ग है और दोष इधर दूसरा पद था, तो निर जो है अव्यय शब्द था। तो निर्दोष में हमेशा जो है अव्ययी भाव समास होगा। ने तत्पुरुष समास इसलिए नहीं होगा, ने तत्पुरुष समास की विशेषता है कि इसके पहले शब्द के पहले अ जुड़ जाता, अर्थात जैसे न ब्राह्मण इति अब्राह्मण। तो ने तत्पुरुष समास नकारात्मक अर्थ में होता, अर्थात वह चीज नहीं होती है। कर्मधारय में विशेषण विशेष भाव होता है और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। तो इस 10वें प्रश्न का अव्ययी भाव समास विकल्प सही है कि निर्दोष में समास है, अव्ययी भाव समास है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। जब आपको हमने संज्ञा प्रकरण के बारे में बताया था तो कत प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, त और तवतु प्रत्यय, सत्र प्रत्यय, त प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, त तवतु, सत्र प्रत्यय। तो जो निष्ठा संज्ञक प्रवण हमने बताए थे कि त और तवत प्रत्यय जो है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है, तथा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है कि त और तवत प्रत्यय निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और यह हमारा अंतिम प्रश्न है कि कृत प्रत्यय से जुड़े शब्द कहलाते हैं सुबंत, कृदंत, तद्धित, उड़ादि। तो जिसमें शुभ प्रत्यय लगेंगे सुबंत कहलाएंगे, जिसमें कृत प्रत्यय लगेंगे कृदंत कहलाएंगे, जिसमें तद्धित के प्रत्यय लगेंगे वो तद्धितांत कहलाएंगे, जिसमें उड़ाद के प्रत्यय लगेंगे वह उड़ादि कहलाएंगे। तो इसमें जो है कृत प्रत्यय से जुड़े शब्द कहलाते हैं, तो कृत प्रत्यय से जुड़े शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अभी तक 12 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखी। हाँ, अगर यह चैनल संस्कृत देवाणी गंगा
आप इस चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या। शुभ रात्रि।